नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं मौसम का पूर्वानुमान। अगले 10 दिनों के दौरान आपके इलाके में बारिश का हाल और आपके इलाके में बारिश का कैसे रहेगा संभावना। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि जो एक मानसून की जो ट्रफ है NLM है वो आगे बढ़ी है। कल इसमें बढ़ोतरी हुई है और आज भी इसके आगे बढ़ने की संभावना है। कुछ इलाके बंगाल खाड़ी और फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसके आगे बढ़ने की संभावना है। और 2-3 दिन बाद यानी कि आज 19 तारीख है, आज से लगभग 4 दिन के बाद से लगभग केरल में मानसून की दस्तक हो जाने की संभावना रहेगी। यानी कि मानसून अब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब जैसे ही मानसून केरल पहुंचेगा उसके बाद ये तेज़ी से भारत की तरफ बढ़ेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है। यानी कि लगभग 2 से 3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर पूर्वोत्तर भारत के अंदर भी पहुँच जाएगा और पूर्वी भारत में यानी कि लगभग 10 जून के अंदर कई इलाकों में देश के मानसून कवर कर लेगा। और 20 जून के अंदर हमको अभी तक की जो संभावना है वो 20 जून के अंदर पूरे भारत को कवर कर लेगा, जो कि बहुत समय से काफ़ी ज़्यादा पहले, अगर ऐसा होता है तो समय से काफ़ी ज़्यादा पहले मानसून भारत पहुंच जाएगा और कई इलाकों में जो है अच्छी बरसात होगी मानसून के चलते। कि जब मानसून आता है तो जानते हैं कई इलाकों में झमाझम बारिश होती है। जो असम और मेघालय का इलाका है यहाँ पर तो लोगों को इतनी परेशानी झेलनी पड़ी है क्योंकि यहाँ पर इतनी बारिश हो रही है कि लोग परेशान हैं, बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। यहाँ पर रेलवे ट्रैक भी जो है नहीं बच पा रहे हैं, स्टेशन भी नहीं बच पा रहे हैं, पुल भी नहीं बच पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। और आगे आने वाले दिनों में भी मानसून की दस्तक यहाँ पर होगी तो बारिश होनी ही है। अगले अपडेट में आगे वीडियो मिलती है, तब तक के लिए धन्यवाद।